अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सभी देवी देवता के अस्थायी शिविरों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और देवधुनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाया गया और सुबह की आरती की गई। देवी देवताओं के अस्थायी शिविर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में प्रातः पूजा के बाद मुख्य छड़ेबरदार महेश्वर सिंह व पुजारियों ने मंत्रों उच्चारण के साथ दूध दही शहद पानी व पंच अमृत घी शक्कर तुलसी जल के साथ विधिवत स्नान किया। भगवान रघुनाथ, माता सीता, नरसिंह भगवान, शालिग्राम, हनुमान को गद्दी पर बैठाकर विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ गद्दी की सजावट की गई। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि भगवान रघुनाथ की पूजा पद्धति हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह के समय में दामोदर गोसाई ने अयोध्या से हस्तलिखित पद्धति लाई थी, जो हमारे कुल्लू के लिए गर्व का विषय है और राम जन्मभूमि में ये पूजा पद्धति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार के दशहरा उत्सव में बड़ी संख्या में देवी देवता देव महाकुंभ में पहुंचे हैं। ये रोज ही होगी, अब 7 दिन तक। 7वें दिन लंका है, तो उस लंका के दिन भी प्रातः ये पूजा होती है। और जो छठा दिन होता है, जिसको यहाँ पर हमारी भाषा में मोहल्ला कहते हैं, दुर्गा पूजन। और दुर्गा पूजन शक्ति के लिए किया जाता है, वो भगवान राम ने उस दिन किया था 1 दिन पूर्व। तो इसलिए सब देवताओं को निमंत्रण जाता है, कुमकुम जाता है रघुनाथ जी से कि चलो अब कल रावण को वध करना है, तो चलो। ये जो विधि विधान है अयोध्या से लाए थे, ये जो हमारे जो आप भूंतर वाले ब्राह्मण हैं, जो भूण गोसाई बोलते हैं, जो उनके पूर्वज थे जिन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति वहाँ से चुरा कर लाई थी, उन्होंने 1 वर्ष बैठकर सारी ये पद्धति नोट की थी। और ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, कुल्लू वालों के लिए, कि इसको हमने आज भी उसी तरीके से चलाया है। लेकिन मैंने अयोध्या में जाकर देखा, नागराज मंदिर में भी जाकर, जो उत्तरेता नाथ ठाकुर का मंदिर है, वहाँ भी पूजा करने का अंदर एंट्री है हमको। तो मैंने कहा पंडित जी किताब है, कहते हम तो किताब कुछ नहीं रखते। तो मैं ले गया था, मैंने उनको भी बोला था कि इसको सीखो। ये पद्धति वहाँ अयोध्या से आई हुई है। आज भी हमारा अयोध्या में रघुनाथ जी का जो मंदिर है, वो सरयू के किनारे है, और उस वहाँ पर उर्दू बाज़ार है, उस बाज़ार में त्रेतानाथ ठाकुर का मंदिर है, और वो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं जब लोकसभा में रहा, राज्यसभा में कल रहा, सब मेंबर्स से मैंने प्रार्थना की कि हम भी सहयोग करेंगे, इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। और आज भी वहाँ वो एक प्रमाण है कि जो राजा जगत सिंह का दिया हुआ मैदान है, वो अयोध्या में स्थित है, और वो कहते हैं अयोध्या वाले कि ये मैदान राजा जगत सिंह का है। ये जो देव संस्कृति, ये सनातन से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, और देव संस्कृति का बल ही जो है धर्म है। धर्म के अंतर्गत जो आता है यज्ञ, पूजा, पाठ इत्यादि, देवताओं की पूजा, देवताओं का सम्मान, हमारे ब्राह्मण साधु ऋषि मुनियों का सम्मान, जितने भी यहाँ ऋषि मुनि आए हुए हैं देवताओं के रूप में। और ये जो सनातन, जिस प्रकार साधु का कुंभ होता है, चारों कुंभ होते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका प्रयागराज, इसी प्रकार आप इनको देव कुंभ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देवताओं का कुंभ है। यहाँ समस्त रघुनाथ जी की अध्यक्षता में समस्त वरिष्ठ देवता भी, और भी समस्त 18 करोड़ देव देवताओं की कुछ पालकी के रूप में और कुछ निशान के रूप में आते हैं और रघुनाथ जी की सेवा में 7 दिन रहते हैं। तो इससे हमारी ये देवभूमि प्रसिद्ध है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो दशहरा कुल्लू का है, ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जगह है जहाँ रावण दहन नहीं होता है, बाकी यहाँ देवताओं का जो मिलन होता है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। 2 सालों के बाद इसका आयोजन हुआ है। अस्थायी शिविर में इतने सैकड़ों लोग आए हैं, देवी देवताएं यहाँ आए हैं, और हमें 2 साल के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दर्शन कर पाए हैं रघुनाथ जी के। और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि रघुनाथ जी के दर्शन करें, इसका श्रृंगार देखें, इसकी पूजा अर्चना में शामिल हों।